काफ़ी दिनों तो ए पी जेम्स हॉस्पिटल जो विवादा के चल रहा है, कभी उरे फोर्थ क्लास मुलाजम जो टांके लाते फड़े जाते हैं, तो मैडम जिथे वधिया गल्लां भी हुई हैं उत्थे मैडम कभी राजपुर के हॉस्पिटल के नशे दियां गोलियां नहीं फड़ी गई, हुण नशे की गोलियां भी फड़ी जा रही। मैडम किसनूं तुसीं इसका जिम्मेवार समझते हो, कौन रखेगा ध्यान हॉस्पिटल का? जी ओ फोर्थ क्लास मुलाजम टांके लाने की की है, वीडियो वायरल हुई है, असं इंटरव्यू भी लिते, उन्हें साफ इल्जाम लाया डॉक्टर के उपर, डॉक्टर मनाली के उपर। मैडम फोर्थ क्लास मुलाजम की तौर तो उसकी छुट्टी कर दी गई है, लेकिन डॉक्टर के खिलाफ की कार्रवाई हो रही, क्योंकि डॉक्टर जोड़ा है उस टाइम उत्थे मौजूद सगा, मोबाइल से जो दसया जा रहा सूँ बंदे के पैरों से भी इन्फेक्शन आ चुकी है, वो भी जल्द सूँ इंटरव्यू देने वास्ते राजी हो चुका है, तो वह भी थोड़े सामने लैके आवेंगे। मैडम कौन जिम्मेवार है? मैडम डॉक्टर से कौन कार्रवाई करेगा? फोर्थ क्लास मुलाजम से तो कार्रवाई करती ठेकेदार ने आके, उन्होंने तौर तो कढ़ दिया गया, लेकिन डॉक्टर मनाली से की कार्रवाई हुई है? गल की जाए अब तुम बहुत बड़ा ऐलान किया कि पांच डॉक्टर की जी है उरे बदली हुई है। मैडम पांच डॉक्टर तो जब आए उरे आए हजे तक नहीं पहुँचा कोई भी डॉक्टर, मैं सुन लिया तुम पूछा उन्होंने आके भी डॉक्टर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, लेकिन जोड़े मौजूदा डॉक्टर हैं मैं SMO साहब तो पूछ के दसोंगे मैडम भी अज कि डॉक्टर छुट्टी दे अज उ SMO सर खड़े आई जवाब देने डॉक्टर साहब किन्ने डॉक्टर छुट्टी दे अ अज दो कि ना एक डॉक्टर छुट्टी थे, बाकी गायनी वाले डॉक्टर 4 बजे सर्जरी करके गए, उन्हों का ऑफ आ, तो कि ना होर डॉक्टर उपकार उन्होंने ड्यूटी उत्थे लगी हुई है, डॉक्टर बंसल रिजाइन दे रहे हैं, रिजाइन देता उन्होंने। जो डॉक्टर साहब उरे इलाज कौन करेगा जो डॉक्टर ही कोई नहीं है, उरे मरीज उरे फिर इलाज देखो हूँ। तुहाडे ध्यान च मैडम मनाली ने यह गल कही है कि मेरी उन्होंने कोई खटपट हो गई सी मरीज नाल, इस करके मैं जिहड़ा उन्होंने टांके लाने तो मना कर दिता सीगा। मैडम क्या एक जख्मी मरीज उरे आया है जे डॉक्टर दी उहदे नाल कोई भी, क्योंकि जिहड़ा बंदा आएगा वो हाइपर होएगा, ठीक है ना, जे डॉक्टर नाल कोई गल हो भी गई तो डॉक्टर का कहना है ठीक है कि मैं टांके नहीं लाँदी, मैं फोर्थ क्लास टांके लाएगा, या तो पहला माफ़ी मंगू मेरे। राजपुरा पटियाला बस अड्डे के कोल एक पेट्रोल पंप की उसारी की जा रही है, पहले तो जो साढ़े सूत्र दस रहे वो सही तरीके उसारी नहीं की जा रही, दूसरी गल उत्थे जिहड़े पेड़ है मैडम वो कट्टे जा रहे, उन्होंने वालों कहा जा रहा कि सानू परमिशन मिली है, लेकिन चलो परमिशन वो भी एक जांच का विषय कि परमिशन हरे भरे पेड़ों को कट्टन वास्ते किस तरह दे, जबकि भगवंत सिंह मान जी जिहड़े हैं हरे भरे पेड़ लाने वास्ते सब तो अगे जिहड़ी सरकार रही है भी प्रदूषण को खत्म किया जाए। दूजी तरफ उत्थे एक पेड़ है मैडम जिहदे थले मजदूर जिहड़े हैं बैठते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, इंतजार करते हैं छाछ, वो पेड़ कट्टिया जा रहा है, जबकि वह पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है। मैडम थोड़े ध्यान के पीछे गल मैडम फोकल पॉइंट की जो गल की जाए, हुण इलैक्शन जिहड़े हैं इलैक्शन कोड भी लग चुके हैं, इलैक्शन किए जा रहे तो उत्थे अपना कौन उम्मीदवार होएगा आने वाले दिनों? तुहानू कल या परसों असीं अपना उम्मीदवार डिकलेयर कर देंगे, उम्मीदवार साडी पार्टी का मैंबर ही होएगा, आम आदमी पार्टी का वलंटियर होएगा, जिहड़े दिन रात मेहनत करते हैं उन्हां दे विच्चों ही होएगा। मैडम कितने साढ़े जिहड़े सूत्र दस रहे हैं भी वह उम्मीदवार हो सकता है भी जिहड़ा पहला इलैक्शन लड़ चुके हैं? सो राजपुरा के ए पी जैन हॉस्पिटल के खड़े थे काफ़ी दिनों तो जोड़ा है ए पी जैन हॉस्पिटल जोड़ा विवादा के चल रहा है, कभी उरे नशा फड़ाया जाता है तो कभी फोर्थ क्लास जोड़े हैं मुलाजम उरे टांके लाते नज़र आते, तो साढ़े नाल मैडम नीना मित्तल साढ़े नाल इस टाइम मौजूद, आप सवालों के जवाब जोड़े हैं मैडम तो लेना चाहवागे, क्योंकि व समय समय से जी है मैडम आवाज़ जी है चकदियाँ रही ने मैडम, तो असं उन्होंने गलबात करेंगे। मैडम तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब के भी स्वागत है। मैडम काफ़ी दिनों तो ए पी जैन हॉस्पिटल जोड़ा विवादा के चल रहा है, कभी उरे फोर्थ क्लास मुलाजम जोड़े टांके लाते फड़े जाते हैं, उन्होंने वीडियो वायरल होती है, तो कभी होर भी जोड़े हैं मसले सामने आते हैं, मैडम इस बारे की कहना चाहो? देखो
जिहड़ा तुसीं कहिंदे विवादां च आ रहे हैं पिछे जे एक कोई मैडिसन नाल गोलियां नाल पकड़िया गया सी मुलाजम उस ते कार्रवाई की जा रही है जिहड़ा कोई टंके लांदा फड़िया गया वो एस एम ओ साहब नूं रिपोर्ट दित्ती है ये उते कार्रवाई कर रहे हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਸ ਐਮ ਓ ਸਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦਾ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਮ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਕਦੀ ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੈਡਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ ਧਿਆਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟ ਵਾਲੇ ਉਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜੀ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਹਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਸ ਐਮ ਓ ਸਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਐਸ ਐਮ ਓ ਸਰ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਡਮ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾਲੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜਨੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਉਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਐਸ ਐਮ ਓ ਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹ 'ਚ ਜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡਮ ਪੰਜ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਜਦ ਆਉਣਗੇ ਉਰੇ ਆਉਣਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਐਮ ਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਆ ਜੁਰੇ? ਐਸ ਐਮ ਓ ਸਰ ਖੜੇ ਆ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਗਾਇਨੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ 4 ਵਜੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਉਪਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਂਸਲ ਰਿਜਾਇਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਜਾਇਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਰੇ ਇਲਾਜ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ MLA's ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਨਫਿੱਟ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ
क्लीयर किया सी कहिंदे असीं पाकिस्तान नहीं भेजे असीं पंजाब ही भेजे है जिथे जिहदी बदली हुई है उत्थे उहनूं जाना पऊगा पर डॉक्टर नरेश का मैनूं हुणी पता लग्गिआ मे बी शायद वह रिजाइन कर रहे हैं उहदा असीं पता करदे हां वी की कारण है पर जे डॉक्टर जा रहे हैं तो उन्ने ही डॉक्टर इत्थे आ भी रहे ने जी जी मैडम तुसीं डॉक्टर मनाली का पता नहीं इंटरव्यू सुनिया कि नहीं सुनिया साडे चैनल ते तुहाडे ध्यान च मैडम मनाली ने यह गल कही है कि मेरी उन्हां नाल कोई खटपट हो गई सी मरीज नाल इस करके मैं जिहड़ा उन्हां दे टांके लाने तो मना कर दिता दिता सीगा मैडम क्या एक जख्मी मरीज उरे आया है जे डॉक्टर दी उहदे नाल कोई भी क्योंकि जिहड़ा बंदा आएगा वो हाइपर होएगा ठीक है ना जे डॉक्टर नाल कोई गल हो भी गई तो डॉक्टर का कहना है ठीक है कि मैं टांके नहीं लाँदी मैं फोर्थ क्लास टांके लाएगा या तो पहला माफ़ी मंगो मेरे देखो ये मैं थोड़ा बिल्कुल क्लीयर कहूँगी जिहड़ा कोई मरीज हुंदा परेशान होकर आंदा हाइपर भी हो जाते परेशान भी हुंदे डॉक्टर का फर्ज है कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर सॉफ्ट होना पैंदा है क्योंकि जो सामने वाला परेशान है अगर डॉक्टर प्यार नाल बोले तो अद्धा दुख रह जाता है जे डॉक्टर मनाली ने कहा मैं नहीं सुनिया तुसीं मैनूं उहदा क्लिप दिओ डॉक्टर बलवीर आने वाले है उन्होंने आपां दिखावांगे तो उन्होंने जरूर कार्रवाई मैडम दूजी गल करी जाए राजपुरा पटियाला बस अड्डे के कोल एक पेट्रोल पंप की उसारी की जा रही है पहले तो जो साढ़े सूत्र दस रहे वो सही तरीके उसारी नहीं की जा रही दूसरी गल उत्थे जिहड़े पेड़ है मैडम वो कट्टे जा रहे उन्होंने वालों कहा जा रहा कि सानू परमिशन मिली है लेकिन चलो परमिशन वो भी एक जांच का विषय कि परमिशन हरे परे पेड़ों को कटने वास्ते किस तरह दे जबकि भगवंत सिंह मान जी जिहड़े हैं हरे परे पेड़ लाने वास्ते सब तो अगे जिहड़ी सरकार रही है भी प्रदूषण को खत्म किया जाए दूजी तरफ उत्थे एक पेड़ है मैडम जिहदे थले मजदूर जिहड़े हैं बैठते हैं अपनी मजदूरी करते हैं इंतजार करते हैं छाछ वो पेड़ कट्टिया जा रहा है जबकि पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है मैडम तुहाडे ध्यान दे विच ये गल है देखो जेड़ा भी कोई पेट्रोल पंप लगता है कोई बिजनेस हैगा उन्होंने पहला सारिया एन ओ सीज लेनिया पैंदियां ने जितों तक मेरा ध्यान है जो तो मसला उठाया मैं उन्होंने बुलाया सी उन्हां कोले डीसी मैडम तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो जेड़ा डी एफ एस हुंदा हरेक थां तो उन्होंने अपनियां परमिशन लीतियां हुई हैं क्योंकि पेट्रोल पंप के शायद उन्होंने अंदर सर्विस लेन बनानी है तो सर्विस लेन के अगर कोई पेड़ आंदा है तो परमिशन दे विद परमिशन कट्टिया जा रहा है जिहड़ी तुसीं कहिंदे हो वी भगवंत मान जी कहिंदे पेड़ लाओ पोल्यूशन हटाओ असीं उह ला रहे हां पर जे कोई इंडस्ट्री जां कोई बिजनेस लाण लई जे कोई पेड़ कट्टिया जांदा विद परमिशन कट्टिया जा रहा तो उहदी परमिशन होनी जरूरी है और जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो लेबर उत्थे बैठदी है लेबर नूं असीं कह चुके हां कि तुहाडा असीं इत्थे इक शैड बनवा के दे रहे हां बहुत जल्दी जिहड़ा कि उह बेचारे धुप तों बच सकन मैडम मेरा आखिरी क्वेश्चन है बड़ा टाइम ले चुका मैं तुहाडा मैडम फोकल पॉइंट की जे गल की जाए हुण इलैक्शन जिहड़े हैं इलैक्शन कोड भी लग चुके हैं इलैक्शन किए जा रहे तो उत्थे अपना कौन उम्मीदवार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਡਮ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ कोई भी हो सकता है वो तो असं थोड़ा परसों दसांगे थोड़ू ये दस भी वो होगा जो पार्टी नाल जुड़िया हुआ पार्टी लिए मेहनत कर रहे हैं ठीक है मैम थैंक यू वेरी मच जी बहुत बहुत धन्यवाद ये मैडम नीना मित्तल हलका विधायक है राजपुरा के बड़े सवाल इन्हों तो पूछे गए हैं मैडम मनाली बारे भी पूछा गया कि जल्द इन वालों जी कार्रवाई की जाएगी तो होर भी जोड़े हैं सवालों के जवाब मैडम ने बहुत वधिया तरीके जो है न्यूज़ 89 पंजाब के गल करते हुए दिते हैं हुण देखना यह होगा कि जोड़े सवाल न्यूज़ 89 पंजाब वालों किए गए हैं उन्होंने जल्द तो जल्द कद कार्रवाई सरकार करती है कैमरामैन मोहित दे नाल संदीप चौधरी न्यूज़ 89 पंजाब न्यूज़ 89 पंजाब हर खबर जिसका होवे असर